हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आज मैं अपने व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पे बिरयानी बनाने वाली हूँ, वेज बिरयानी बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बहुत तरीके की बिरयानी बनाई है पर मैंने अभी तक वेज बिरयानी नहीं बनाई, तो ये रिक्वेस्ट है कि मैं वेज बिरयानी बनाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं वेज बिरयानी। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने बॉर्जेस ऑलिव ऑयल लिया है, ये बहुत लाइट होता है और बिरयानी वगैरह बनाने के लिए बहुत ही अच्छे से ये उसमें पेनिट्रेट हो जाता है। यहाँ मैंने अपनी चॉप्ड कॉलीफ्लावर लिया है, गोभी जिसे कहते हैं, इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी और मैंने अलग अलग अपनी पसंद की सब्जियाँ जो हैं उसे चॉप करके रख ली थी। तो अब मैं यहाँ पास क्या करूँगी, मैं एक एक सब्ज़ी को अलग अलग फ्राई करूँगी। उस तरफ मैंने अपने राइस को रखा हुआ है, राइस में मैंने ये मसाले डाले हैं, थोड़ी सी ग्रीन चिली डाली है, तो हमारा राइस वहाँ बॉयल हो रहा है बिरयानी के लिए, क्योंकि वेज बिरयानी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये जल्दी से जल्दी बन जाती है। और सिर्फ इसमें चावल का ये रहता है कि चावल को इसको बॉयल करके हमें उसका स्टार्च निकालना होता है। यहाँ मेरी गोभियाँ जो हैं वो फ्लोरेट्स जो थे इस गोभी के, वो फ्राई हो चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, और हमें इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है, फ्रेश रखना है, हल्का हल्का सा बस ब्राउन टिंच आना चाहिए उसके ऊपर, तो वो अच्छी लगेगी और कड़वी भी नहीं होगी। यहाँ पास मैंने गाजर, मटर और बीन्स ये अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। तीनों को एक साथ करेंगे क्योंकि इसमें कोई मसला है नहीं, क्योंकि अलग अलग फ्राई करने से इसमें कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये झट से गल जाती है। उधर मैंने अपने चावलों में सॉल्ट डाल दिया है, क्योंकि ये बिरयानी ज़्यादा टाइम नहीं रहेगी मेरी, 25 मिनट्स में ये बिरयानी तैयार हो जाएगी, और कभी कोई मेहमान आने वाला हो तो ये बिरयानी सबसे अच्छी और हैंडल होती है। यहाँ मैंने अपनी जो वेजिटेबल्स फ्राई करी थी वो मैं उसको निकाल लूँगी पैन में से। देखिए यहाँ हमारी सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर हो गई है, बस ध्यान ये रखना है कि हमें इसे 70% टेंडर करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी जाकर फिर ये चावलों के साथ अच्छे से बनेगी। यहाँ पास देखिए मैंने पनीर को डाला है, पनीर बहुत अच्छा लगता है वेजिटेबल बिरयानी में और इसका टेस्ट भी बहुत खुल के और बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप लोग ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन क्लिक करना ना भूलें। और यहाँ देखिए हमारा पनीर भी तैयार हो चुका है और ये सारी सब्जियाँ मैंने एक जगह पे कर ली है, और उधर मेरा चावल ऑलमोस्ट रेडी हो गया, क्योंकि चावल को हमको हमेशा 75% तक बॉईल करना चाहिए जब हमको उसे स्टीम देनी होती है। तो यहाँ देखिए हमारी वेजेस हो गई हैं तैयार, हमारा राइस भी तैयार हो गया। इधर मैं मसाला तैयार करूँगी अपनी वेजिटेबल बिरयानी का। यहाँ मैंने फाइनली चॉप्ड अनियन ली है, उसी सेम ऑयल में सारी बिरयानी बन जाएगी हमारी। यहाँ अच्छे से मैंने मसाले वाली बनानी हूँ तो मसाले वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, तो यहाँ पास मैंने चॉप्ड अनियन ली है। चॉप्ड अनियन को हम लोग बहुत ही अच्छा फ्राई करेंगे, इसको ब्लैक नहीं करना है हमें ना ब्राउन करना है, इसको सिंपली मुझे सॉफ्ट रखना है और सॉफ्टली पिंक की तरफ जाना चाहिए थोड़ा सा कलर, तो उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पास फिर मैंने जब मेरी अनियन जो है वो टेंडर हो गई तो मैंने चिली गार्लिक का पेस्ट लिया, बहुत ज़्यादा उसको फाइन पेस्ट नहीं करना है, उसको हल्का सा दरदरा रखेंगे, उसको डाला, और साथ ही में मैंने खसखस और गरी और जायफल का पेस्ट बनाया था, उसका रेशियो मैं मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा, वो डाला, उससे एक बिरयानी का अलग सा मुगलई टेस्ट आता है, जिससे बिरयानी और भी अरोमेटिक लगती है और खाने में भी बहुत ही लजीज उसका जायका आता है। यहाँ मैंने पीली मिर्च डाली है, पीली मिर्च से स्पाइसीनेस बढ़ती है, आप इसे कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, और पीली मिर्च जो होती है वो हेल्दी भी रहती है, उसे हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं रेड चिली के ऑप्शन में। और यहाँ मैंने गरम मसाला डाला है, गरम मसाला आप कोई भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं या आप घर में बनाया हुआ गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं, घर का गरम मसाला जो होता है उसमें अच्छे से खुशबू हम लोग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से अपने हिसाब से वो बना होता है, तो आपको उस गरम मसाले में जितना कम ज़्यादा खुशबू रखनी होती है तो आप मैनेज कर लेते हैं। देखिए यहाँ हमारा मसाला अच्छे से ब्राउन हो रहा है, इसको बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन या फ्राई नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे दही, दही को हमने थोड़ा सा लिक्विफाई किया था, क्योंकि दही का जो होता है वो बहुत ज़्यादा फिर थिकनेस ना चावल पे लगने लगती है, तो उसको थोड़ा सा पानी मिक्स करके फिर हम इस मसाले के अंदर डालेंगे ताकि वो अच्छे से जज्ब हो जाए। उसके बाद बहुत ज़्यादा हमें ऑयल नहीं निकालना है,
निकालना है दही का। उसके बाद हमारी जो फ्राइड वेजिटेबल्स थी हम उसे ऐड करेंगे और फिर उस दही को फ्राइड वेजिटेबल्स के साथ बहुत ही अच्छे से टॉस करेंगे और 5 मिनट तक उसको भूनेंगे। 5 मिनट भूनने के बाद यहाँ मैंने अपने राइस को स्टार्च उसका निकाल लिया था और ये हमारा एरोमेटिक राइस तैयार है। इसके मसाले जो हैं वो मेंशन कर दूँगी कि मैंने क्या क्या डाला है। आप प्लीज़ मेरा मैसेज बॉक्स देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, उसमें सारे मसाले मेंशन होंगे। और यहाँ पास मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और फ्राइड अनियन डाली है, थोड़ा सा मैंने केवड़ा डाला है। और इन सबको डालने के बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी एट लीस्ट फॉर 15 मिनट्स। बस आपको ये ध्यान रखा है क्योंकि इसमें पानी नहीं पड़ता है तो हमें इसको देखना, चेक करना रहेगा। अगर बाई चांस ये लग गई तो बिरयानी का टेस्ट पूरा ख़राब हो जाएगा। यहाँ देखिए हमारी बिरयानी पूरी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो गई। फ्राइड अनियन का यूज़ किया है हमने, फ्राइड अनियन से इसका जो लेयरिंग होती है वो बहुत ही एरोमेटिक और बहुत ही सोंधी महक आती है उससे, और बिरयानी बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए 15 मिनट्स to 10 मिनट्स मैंने इसको रखा और ये हमारी बिरयानी तैयार है। खिले खिले चावल हैं, इसमें आप नींबू भी डाल सकते हैं ताकि चावल जो होते हैं वो बिखरे रहें। तो नींबू डालने से चावल बिखरते हैं और अच्छे लगते हैं और चावल गीले नहीं पड़ते हैं। और इसमें मैंने पानी का भी बहुत ही कम यूज़ किया है, यूज़ ही नहीं किया एक्चुअली। और ये देखिए हमारी बिरयानी तैयार है। आप प्लीज़ इसे ट्राई करें, कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी, आपने कैसे बनाया। और मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और मेरा बेल नोटिफिकेशन बटन ऑन करके रखिए ताकि आप मेरी सारी वीडियोस बहुत अच्छे से देख पाएँ, लाइक कर पाएँ, शेयर कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंजॉय द बिरयानी, वेज बिरयानी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।